हे गाइस दिस इज जुलेखा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज साधिया जुलेखा ऑफिशियल सो जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि एस एस सी सी जी एल नाइनटीन प्री में पूछे गए थे एंड ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ये थर्ड मार्च थर्ड शिफ्ट सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में Uh, आए थे ये क्वेश्चन सो प्रीवियस वीडियो में मैंने सिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं सिक्स क्वेश्चन आपका डिस्कस करूँगी विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है मैं आपका क्या बोल रहा है ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ओके सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर ओ आर 110 डिग्री एंड 130 डिग्री ओके रिस्पेक्टिवली बोला है देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी इज़ वॉट एंड चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं सो so, बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक आपका सर्कल है जिसमें आपके तीन पॉइंट्स है तीन पॉइंट्स है एक पॉइंट आपका ए है एक आपका बी है एक आपका सी है एंड आपका जो कॉर्ड है एक कॉर्ड आपका ए बी बन रहा है एक कॉर्ड आपका ए सी बन रहा है सो ए बी कॉर्ड जो आपका सब्टेंड कर रहा है एंगल सेंटर पे और ए सी कॉर्ड आपका जो सब्टेंड कर रहा है एंगल सेंटर पे उसका वैल्यू दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है वन वन जीरो वन हंड्रेड टन और ये आपका वैल्यू दिया हुआ है वन थर्टी दिया हुआ है सो so, बोल रहा है कि बताइए कि बी ए सी बी ए सी ये वाला एंगल जो है वो आपका क्या होगा क्वेश्चन so, में क्या है कि मैंने वही चीज़ किया है मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बताया जो अभी आपको पहले बताया सो so, इसमें क्या है कि मैंने क्या किया दो ट्रायंगल ले लिए अब आपको ये पता है कि ये आपका सेंटर पॉइंट है ये आपका सेंटर का नाम है ओ एंड आपका ए भी आपका कॉर्ड ए सी आपका ये कॉर्ड है ए बी आपका कॉर्ड है एंड ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है तो ये आपका रेडियस हो गया ये भी आपका रेडियस हो गया सो so, रेडियस का लेंथ आपका सेम रहेगा इसलिए मैंने यहाँ पे जो लाइन दिया है ये क्रॉस uh, लाइन ये डिनोट कर रहा है कि दोनों का लेंथ सेम है उसी तरह से ये भी आपका ओ ए भी रेडियस है ओ बी भी आपका रेडियस है सो ये ओ ए इजल टू ओ बी भी हो जाएगा ओके okay, सो so पहले मैंने क्या किया कि इन ट्रायंगल ले लिया एक ट्रायंगल लिया एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ओ सी ए आपका एक ट्रायंगल बन रहा है उसको ले लिया ओ सी ए में आपका देख सकते हैं आप कि क्या है ओ सी टू ओ ई है ओ ए है क्यों क्योंकि दोनों रेडियस है इसलिए दोनों इक्वल है तो ये आपका किस टाइप का ट्रायंगल हो गया ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल होते हैं सो तो आपको ये पता है तीनों एंगल में से आपको एक एंगल पता है और बाकी दो एंगल आपके सेम है तो इससे ये पता चल गया कि एंगल ओ सी एंड एंगल ओ ए सी दोनों आपका कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा क्योंकि एक एंगल आपका वन थर्टी दिया हुआ था तो बच गया आपके फिफ्टी फिफ्टी आपका हाफ़ हो जाएगा तो आपका ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएगा अब दूसरा आपका एक और एंगल क्या बन जाएगा ओ बी ए बन जाएगा ओके okay, उसमें आपका दो साइड उसमें भी इक्वल है और ये दोनों साइड क्यों इक्वल है क्योंकि दोनों आपका रेडियस है सो so, ये आपका क्या हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा देर फोर टू एंगल्स विल बी इक्वल सो दो टू एंगल्स आर एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए सो so, एक आपको एंगल पता है वन हंड्रेड टेन तो बाकी आपका कितना बच गया सेवेंटी का हाफ आपका होगा थर्टी फाइव so, सो ये आपको पता चल गया अब ये एंगल का वैल्यू पता चल गया ये एंगल का वैल्यू पता चल गया सो so, आपको बी निकालना था तो बी आपका ये दोनों एंगल का सम ही होगा बी ए so, सी सो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया कि बी ए सी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी फाइव दैट इज इक्वल टू सिक्सटी सो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एट में आपका क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन ट्वेल्व सेकेंड्स एक ट्रेन है जो एक पोल को क्रॉस करती है ट्वेल्व सेकेंड में एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ वन सेवेंटी मीटर इन थर्टी सिक्स सेकेंड देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज वॉट एंड आपका जो आपको वैल्यूज़ दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो आपका मीटर एंड सेकेंड में है आपको आप पहले मीटर एंड मीटर पर सेकेंड में आप उसका स्पीड निकालोगे उसके बाद आपको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत ईजी है आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा एटीन बाई फाइव से तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा सो so, आपका क्या होगा ये आपका सॉल्यूशन है सो uh, सॉल्यूशन so, में मैंने क्या किया मैंने मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एक्स ट्रेन का लेंथ मैंने एक्स मान लिया एंड द स्पीड बी एस मान लिया सो so, जैसा कि हम लोग को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू वाट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ओके सो स्पीड ही निकालना है यहाँ पर सो so, स्पीड मैंने ट्रेन का स्पीड क्या माना एस माना इसलिए मैंने एस यहाँ पे लिख दिया एंड डिस्टेंस क्या माना डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में ये आपका ट्रेन का लेंथ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स एंड टाइम क्या होगा टाइम आपका पोल का टाइम मैंने लिया है मीन्स अगर कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो उसका स्पीड कैसे निकालते हैं ये ट्रेन का स्पीड हो गया ये ट्रेन का लेंथ हो गया एंड कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को तो अब जैसे इस क्वेश्चन में पोल है अगर कोई ह्यूमन बीइंग रहता तो भी उसको स्टेशनरी uh, ऑब्जेक्ट में ही काउंट किया जाता है सो so, आपका ये इस तरह का इक्वेशन आपका फॉर्म होगा वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि एक्स बाई एस ओके एंड आपका एक और इक्वेशन इसको इक्वेशन वन मान लिया दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा दूसरा इक्वेशन में क्या होगा कि आपका जो ट्रेन है वो क्या कर रहा है वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा एक्स हो गया एंड यहाँ पे ब्रिज का भी लेंथ ऐड होगा क्योंकि ब्रिज का लेंथ मीन्स ट्रेन ब्रिज से क्रॉस होकर के जा रही है सो so, ट्रेन का लेंथ आपका एक्स हो गया ब्रिज का लेंथ आपका वन सेवेंटी हो गया स्पीड आपका ट्रेन का एस हो गया एंड टाइम टेकन टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर ब्रिज इज़ थर्टी सिक्स सेकेंड सो ये आपका दो इक्वेशन बन गया अब ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और एस का वैल्यू मिल जाएगा मैंने वज रहा है फिफ्टी फिफ्टी वन नहीं एस का आपका वैल्यू आ रहा है वन सेवेंटी बाई ट्वेंटी फ़ोर ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ रहा है इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए फिर एटीन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये करने के बाद आपका आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आपका क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ सिक्स फोर्टी स्टूडेंट्स इज़ फाइव इज टू एट सो आपको क्या है कि आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एंड जो उस टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स है उसका रेशियो भी दिया हुआ है जो कि आपका फाइव इज टू थ्री है ओके okay. उसके बाद क्या बोल रहा है उससे आपको क्या पता चल जाएगा इस रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि ये जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उसमें बॉयज़ आपके कितने हैं बॉयज़ आपके फोर हंड्रेड हो जाएंगे एंड गर्ल्स आपकी हो जाएगी टू फोर्टी हो जाएगी ओके okay? सो so, आपको ये पता चल गया कि बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं अब बोला है कि थर्टी मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल अगर थर्टी और गर्ल्स एडमिट हो गई सो टू फोर्टी गर्ल्स थी पहले अब आपका थर्टी और एड हो गई तो टोटल आपकी गर्ल्स टू सेवेंटी हो गई देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स बिकम इतना हो जाएगा ओके okay, सो so, इसका सॉल्यूशन आपका मैंने वही किया सॉल्यूशन में भी कि बॉयज़ इज टू गर्ल्स जो दिया हुआ है रेशियो उससे मेरे को टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द स्टूडेंट ये पता चल जाएगा उसके बाद आपको एक इक्वेशन uh, फॉर्म करना है जिसमें आपको बॉयज़ का रेशियो और बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो आपका फोर्टीन इज टू नाइन आना चाहिए सो so, आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितनी गर्ल्स है उसमें से थर्टी और एड अगर कर दी जाए एंड तो बॉयज़ में कितना एडिशन करना होगा टोटल नंबर बॉयज़ जो आया उसमें कितना बॉयज़ को ऐड करना होगा कि दोनों का रेशियो आपका फोर्टीन इस टू नाइन आए तो ये आपका इक्वेशन बन गया सॉल्व करोगे ये इक्वेशन तो आपका एक्स का वैल्यू ट्वेंटी आएगा क्वेश्चन नंबर टेन में आपका क्या बोल रहा है कि इफ़ एक्स टू द पावर टू ए इजिकल टू वाई टू द पावर टू ए इजिकल टू जेड टू द पावर टू ए दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू जेड अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन आपको बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी और क्या इसमें क्या है यही चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में सो so मैंने क्या किया कि एक्स टू दावर टू ए इज इक्वल टू वाई टू द पावर टू बी इज इक्वल टू z टू the टू सी अच्छा मैंने क्वेश्चन क्या उसमें एक मिस्टेक कर दिया है एक्स टू दावर टू ए मैंने लिखा है एंड वाई टू द पावर भी टू ए कर दिया एंड जेड टू दावर भी टू ए कर दिया है so, सो ये चीज़ आप लोग रेक्टिफाई कर दें अब ये तीनों इक्वल है तीनों बराबर है उसको मैंने क्या किया कि तीनों को मैंने इक्वेट कर दिया के के साथ ओके सो so, अब इज इक्ल टू के टू द पावर वन बाई टू ए वाई इज इक्वल टू के टू द पावर वन टू एंड जेड इज इक्वल टू के टू पावर वन बाई टू सी हो जाएगा एंड आपका एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज उक्ल टू वाई जेड अब ये कर गया वाई मिल गया जेड मिल गया जिस पर कोई भी पावर नहीं लगा हुआ है ये तीनों वेरिएबल के फॉर्म है तो आपको जो वैल्यू मिला एक्स वाई एंड जेड का उसको आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर की जगह पे एंड वाई एंड जेड की जगह पे तो पुट करने के बाद क्या होगा के पर पावर वन बाई टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा y इंटू जेड तो y आपका k प प पावर वन बाई टू भी है एंड z आपका k प प पावर वन बाई टू सी है अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा में आपका क्या बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ रिक्टेंगल इज इंक्रीज बाय फोर्टी परसेंट एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट दैन द एरिया ऑफ द रिक्टल इंक्रीज बाई एक्स परसेंट दैन द वैल्यू ऑफ एक्स इज वॉट ओके okay. जिस वे में सॉल्व किया है उस तरह से भी कर सकते हैं ये इजिएस्ट वे है सॉल्व करने का एरिया ऑफ रिक्टल आपका क्या होता है टू ब्रेथ होता है सो so, लेंथ आपका क्या बोला कि फोर्टी परसेंट बढ़ा एंड ब्रेथ आपका क्या बोला कि वो ट्वेंटी परसेंट घट गया सो so, अब एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा उस वजह को इजिएस्ट वे यही है कि जो बढ़ रहा है उसको आप प्लस करो जो घट रहा है उसको आप माइनस करो मीन से सो आपका फोर्टी परसेंट इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में ट्वेंटी परसेंट इंक्रीमेंट हुआ ब्रेथ में देन माइनस आपका क्या होता है माइनस फोर्टी इंटू ट्वेंटी हो जाएगा फोर्टी माइनस ट्वेंटी आपका ट्वेंटी हो गया और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका माइनस एट आएगा दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व तो ट्वेल्व आपका ट्वेल्व का सिंबल आपका कुछ नहीं है मीन्स नेगेटिव uh, नहीं है दैट मीन्स की पॉजिटिव है सो ट्वेल्व परसेंट का इंक्रीज क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका क्या बोल रहा है आउट ऑफ सिक्स द सम ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर टाइम्स द नंबर ओके ये आपका एक कंडीशन दिया हुआ है, बोला, इफ देयर एवरेज इज वन सिक्स इज वॉट सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा क्या बोला था कि मैंने मान लिया कि ए बी सी डी ई मान लिया मैंने पांच वेरिएबल ले लिए तो पांच वेरिएबल का सम बोला था कि वो क्या है सेवन टाइम्स ऑफ द सिक्स वेरिएबल है वो मैंने एक कंडीशन लिख दिया देन क्या बोला है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल दो सिक्स नंबर इज़ वन थर्टी सिक्स सो उसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ मतलब मैंने पांच नंबर लिए थे ए से ई e तक एंड सिक्स नंबर मैंने एफ़ मान लिया तो ये पांचों नंबर का वैल्यू तो पता है मेरे को सेवन एफ़ हो जाएगा सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह पे मैंने सेवन एफ़ लिख दिया प्लस एफ तो होगा ही एट एफ so, हो गया अब यहाँ जो आपका कट रहा है उसको आप काट दीजिए सो so, आपका एफ का वैल्यू आपको पता चल जाएगा okay, then, कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड जो भी मैंने सॉल्यूशंस बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आए आपको कुछ डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हो योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो ओके देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू